नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जगदीप जी के बारे में। अगर आप जगदीप जी से नहीं समझ सके हों तो मैं बोलना चाहूँगा सूरमा भोपाली जी। ये एक दुखद खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जगदीप जी का निधन हो गया है, यानी कि सूरमा भोपाली, शोले मूवी के सूरमा भोपाली जी का। हालांकि ये निधन कल हुआ है, मैं आज इनका बायोग्राफी बना के इनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इसलिए आज हम बात करेंगे हमारे चहेते सितारे जगदीप जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जगदीप जी का जन्म दतिया यानी कि ग्वालियर के पास, जहाँ पर हमारा घर है, वहाँ पर ही हुआ है। और 29 मार्च 1939 यानी कि 29 मार्च 1939, मतलब बहुत ही एज थी उनकी, करीबन 81 वर्ष की उम्र थी। हालांकि उम्र कितनी भी हो, लेकिन अगर व्यक्ति जाता है तो उसका दुख तो होता ही है। और ज़्यादातर लोग, लगभग मुझे लगता है कि 90% लोग जगदीप जी को सिर्फ जगदीप नाम से ही जानते थे या फिर सूरमा भोपाली करके, लेकिन उनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। आई थिंक, मुझे लगता है ये नाम उनका थोड़ा सा डिफिकल्ट था और इतना बड़ा नाम था, इसी वजह से उन्होंने अपना नाम शॉर्ट में कर दिया और जगदीप कर दिया। जगदीप जी जो हैं वो एक कॉमेडियन एक्टर थे जिन्होंने अपना करियर बहुत ही छोटी उम्र में काफ़ी सारी परेशानियों के साथ किया। उनके निभाए गए रोलों में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रोल उनका शोले मूवी का रहा, जिन्हें आप सभी लोग सूरमा भोपाली के नाम से जानते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे जगदीप जी के उनके जन्म से लेकर उनके अभी तक के सफ़र के बारे में, और उन्होंने किन किन परेशानियों से लड़ते हुए आगे बढ़े और जीते, और उस सभी के बारे में हम बात करेंगे आज आपसे। आज की दुनिया में तो अगर कोई चाइल्ड आर्टिस्ट बनता है तो उसे कहा जाता है कि वाह, इसका करियर तो अच्छा होगा अभी, ये वो बच्चा भी अमीर ही होता है। हालाँकि लेकिन पहले की दुनिया जो थी ना, वो बहुत ही अलग थी। उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट होने का मतलब था वो बच्चा गरीब है और उस गरीबी से जूझने के लिए वो उस मूवी में काम कर रहा है। और इसी तरह की कुछ कहानी है हमारे जगदीप जी की। जगदीप जी का जन्म तो हुआ था दतिया ग्वालियर शहर के पास, लेकिन उनके जो माता पिता थे उन्होंने निर्णय किया कि वो एक मुंबई शहर में जाके बसेंगे, जहाँ पर वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, अपनी गरीबी को कुछ दूर कर सकें। लेकिन उससे पहले ही इनके पिता का इंतकाल हो गया और फिर सारी जिम्मेदारी आई इनकी माँ के ऊपर। माँ इनकी मजदूरी करती थी, बहुत ही परेशानियों से जीवन चल रहा था, लेकिन हमारे जगदीप जी को पढ़ाने के लिए उनकी माँ ने भरपूर कोशिश की और भरपूर प्रयास किया और बहुत मेहनत की। लेकिन जब जगदीप जी ने देखा कि कई सारे बच्चे बिना पढ़े लिखे काम धंधे में जुटे हैं, अपने माँ बाप का हाथ बटा रहे हैं, तो उसी वक्त जगदीप जी को भी इसी बात ने झकझोर दिया और उन्होंने कहा, माँ मैं पैसा कमाना चाहता हूँ और उस पैसे से तुम्हें आराम देना चाहता हूँ। लेकिन माँ ने कहा, ना बेटा ना, तू पढ़ाई कर। लेकिन जगदीप जी ने एक ना मानी और वो अपने एक दमड़ी दो दमड़ी की कमाई के लिए निकल पड़े मजदूरी की राह पे। एक बार जब जगदीप जी साबुन बेच रहे थे सड़क पे, तब एक आदमी वहां से गुजर रहा था। वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर का सहयोगी था। उसने कहा, क्यों बेटा हमारे साथ काम करोगे फिल्मों में? लेकिन जगदीप जी जो कि एक छोटे से शहर, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है ग्वालियर दतिया, तो वहाँ से आए थे, तो उनको तो पता ही नहीं था ये फिल्में क्या होती हैं, कभी देखा ही नहीं था फिल्में क्या होती हैं, क्योंकि फिल्में तो अमीर लोगों का शौक था। जब उनको पता चला कि फिल्मों में क्या करना होता है, उन्होंने बोला कि एक्टिंग करना होती है ऐसे ही आड़े मुँह टेढ़े मुँह बना बना के, ठीक है। जब उनको ये पता चला कि चलो ठीक है ये काम करना है, तो उन्होंने पूछा कि कितना दोगे, तो उन्होंने कहा
3 रुपया भैया उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसी वो एक्टिंग में करते थे वैसी उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में, ठीक है। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने कहा कि ये काम तो मुझे करना ही चाहिए। 3 रुपया, मतलब एक महीने भर में वो 3 रुपया जोड़ पाते थे, उनको एक दिन में और 2-3 घंटे के लिए सिर्फ ये 3 रुपया मिलने वाला था। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा कि मैं तो ये काम करूंगा, और वो पहुंच गए दूसरे दिन उस सेट पर। और उस सेट पर उस जमाने में आपको पता ही होना चाहिए, अब वक्त आया एक्टिंग करने का। लेकिन एक्टिंग में क्या करना था, एक्टिंग में उन्होंने कहा था कि सभी बच्चों को चुपचाप से बैठना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सुन सन्नाटा, बच्चों को सिर्फ पीछे रखने का, जैसे कि पिक्चर में होता है। हालांकि तो उसमें जगदीश जी को भी कहा कि आप चुप रहिए, और एक बच्चे को वो बुला बुला के बार बार, लेकिन एक उनको एक बच्चा चाहिए था जो डायलॉग बोल सके। और ये मूवी है अफसाना 1951 की, 1951, आप समझ सकते हैं 1951 में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा उरूज पर थी, मतलब सुरूर पर थी, उर्दू, क्योंकि उस टाइम पे उर्दू और हिंदी ये दो लैंग्वेज ही चलती थी, और उर्दू हालांकि ज़्यादा अप में थी मैंने देखा है। तो आप जितनी भी मूवी देखेंगे उसमें बड़े बड़े में उर्दू में भी लिखा रहता था और हिंदी में भी लिखा रहता था और अंग्रेजी में भी लिखा रहता था, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और उस मूवी का नाम अफसाना है तो आप समझ ही गए होंगे, उसमें उर्दू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस डायलॉग को वो उर्दू में बुलवाना चाहते थे बच्चों से, और बच्चे थे अपने मुंबई के। अब मुंबई के बच्चे कैसे उर्दू बोलें, उतना उर्दू नहीं जानते थे वो, हालांकि क्योंकि यूपी बिहार में ज़्यादा अच्छी चलती थी उर्दू कह सकते हैं। तो उस टाइम पे उर्दू आती थी अपने जगदीप जी को, जो कि मध्य प्रदेश से, तो उर्दू में उनको बहुत अच्छा उनका हाथ रमा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा डायलॉग बोल रहा है, उन्होंने सबसे एक्चुअली बच्चों से पूछा, ये जो डायलॉग बोल रहा है इसको क्या ज़्यादा पैसा मिलेगा क्या? तो वो बच्चा बोला, हाँ इसको अपन को 3 रुपये मिल रहा है, इसको 6 रुपया मिलेगा। जगदीप जी की जो आंखें खुली थी 3 रुपया सुनकर, उनकी बाँछें खिल गई 6 रुपया सुनकर, मज़ा आ गया उनको। उन्होंने कहा ये रोल तो मेरे को ही करना, मैं तो उर्दू भी जानता हूँ, काय बात पे नहीं बोलेंगे अपन भी, हम भी बोलेंगे। तो उन्होंने वो उर्दू में डायलॉग बोला और उनको मिले 6 रुपया, पहली कमाई उनकी 6 रुपया। और उस मूवी के बाद उनको काफ़ी सारी मूवी मिली, हालांकि उस मूवी में उनका नाम, क्योंकि हालांकि चाइल्ड आर्टिस्ट थे तो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए। उसके बाद उनकी मूवी 1953 में, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है उनकी फर्स्ट मूवी के द्वारा, 2 बीघा जमीन, जिसमें उन्होंने अच्छा रोल किया काफ़ी। और उसके बाद 1953 में ही पापी, फिर नौकरी, फिर बहुत सारी मूवियाँ उनकी आती ही गई, और दर बदर उन्होंने मूवियों में काम करते गए और इतनी मूवियों में काम किया कि मैं गिन भी नहीं सकता हालांकि, ठीक है। और वो अभी तक उन्होंने मूवीज़ में काम किया है। आप अगर अंदाज अपना अपना देखेंगे तो सलमान खान के पिता के रूप में वो नज़र आए हैं उस मूवी में भी, इतने बूढ़े होने के बावजूद। और 2004 में उन्होंने लास्ट मूवी की थी किस किस की किस्मत, लास्ट नहीं, उनके बाद भी उन्होंने काफ़ी सारी मूवी की हैं, जैसे कि बॉम्बे टू गोवा 2007 में जो आई थी, उससे पहले पुरानी वाली बॉम्बे टू गोवा है उसमें भी काम किया था उन्होंने, आप सोचिए। और उन्होंने लाइफ पार्टनर 2009 में आई थी, फरदीन क्लाइंट बने थे उसमें, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी पिक्चरों में, गली गली चोर है 2012 में, जो उनकी लास्ट मूवी बताई जा रही है वो 2012 में आई थी, गली गली चोर है। और इस तरह की मूवियों में काम करते गए और उन्होंने अपना जीवन को बहुत अच्छे से निभाया, कह सकते हैं कि उन्होंने लगभग 40 साल काम किया अपने लाइफ में, और भी ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि 1953 से काम कर रहे थे और 2012 तक काम किया है, मतलब रेगुलरली जो काम किया है उन्होंने, बताते हैं कि 40 साल रेगुलरली बिना एक साल भी गैप किए हुए। और मैं तो कहूँगा कि उन्होंने लगभग 60 साल काम किया है, क्योंकि 2012 में उनकी लास्ट मूवी थी और 1953 में उनकी पहली मूवी थी। तो 60 साल काम करने वाले व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार काम किया उन्होंने, उनके जीवन की मतलब कहानी एक अलग ही है। और मेरे को भी नहीं पता था और शायद आपको भी नहीं पता होगा, जावेद जाफरी और नावेद जाफरी
हमारे जगदीप जी के यानी कि सैयद जाफरी जी के ही बेटे हैं। तो जावेद जाफरी जी को मैं समझता था कि मेरे को पता ही नहीं था कि कौन है ये आखिर, हालांकि एक्टिंग उनकी काफ़ी अच्छी है और मैं सोचता था कि तो नेपोटिज्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी नेपोटिज्म यार कह सकते हैं, लेकिन नेपोटिज्म की यहाँ पर बात नहीं आती। मैं तो कहता हूँ कि जिसकी एक्टिंग अच्छी हो वो भले ही किसी का भी बेटा हो, या तो है एक्टर का बेटा हो, नेता का बेटा हो, या किसी का भी बेटा हो, वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। और जावेद जाफरी ने मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से नेपोटिज्म या अपने पिताजी का फ़ायदा उठाया, हालांकि उनके पिताजी खुद एक स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह ही काम करते रहे लाइफ टाइम, और उन्होंने बहुत शानदार अच्छा काम किया, और इसके लिए उनको हम हमारी तरफ से शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल श्रद्धांजलि देता है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत भावभीन श्रद्धांजलि। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय।